आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल जिला मुख्यालय के लली चौक पर पहुंचे बैतूल पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान अधिकारियों को दिए विसर्जन के लिए झांकियों को निकालने के निर्देश। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल देर रात तक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का चलता रहा दौर। आमला चुनाव लड़ने पर अड़ी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, इस्तीफा मंजूर कराने 335 किलोमीटर न्याय यात्रा लेकर पहुंचेगी मुख्यमंत्री हाउस। हाथ में संविधान और गीता लेकर निकली है न्याय यात्रा पर। बैतूल जिले की आमला विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बैतूल की पूर्व डिप्टी कलेक्टर एवं छतरपुर जिले में पदस्थ SDM निशा बांगरे अपना इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए इन दिनों न्याय यात्रा पर निकल पड़ी है। निशा बांगरे ने हाथ में संविधान और भगवत गीता लेकर 335 किलोमीटर की पदयात्रा कल प्रारंभ की। आमला से निकली इस न्याय यात्रा के पहले दिन बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आए। आपको बता दें कि आमला से सारनी, पाथाखेड़ा, घोडोंगरी, शाहपुर, भौरा, केसला, इटारसी, नर्मदापुरम, बुधनी, सलकनपुर, धावागांव, बुधनी, शाहगंज, बरखेड़ा, ओबेदुल्लागंज, मंडीदीप होते हुए 9 अक्टूबर की सुबह CM हाउस भोपाल पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री से उनके द्वारा मुलाकात की जाएगी और CM हाउस पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। बैतूल के खेड़ी ताप्ती घाट पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए उमड़ा जनसैलाब। सैकड़ों की संख्या में भगवान गणेश के भक्त प्रतिमा लेकर पहुंचे विसर्जन स्थल पर। बैतूल जिले में कल गुरुवार को गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी एक साथ मनाया गया। इस अवसर पर दोपहर से ही गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो कि देर रात तक चलता रहा। नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए अधिकांश घरों में टब में ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि देर रात में कोठी बाजार, गंज, खंजनपुर, सदर सहित अन्य इलाकों से श्री गणेश का चल समारोह निकाला गया। जुलूस में DJ की धुन पर नाचते गाते हुए भक्त श्री गणेश के भक्ति में लीन नजर आए। कोठी बाजार के लल्ली चौक पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बैतूल जिला मुख्यालय के लल्ली चौक में देर रात गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान कुछ युवकों की आपस में हो गई मारपीट। मौका स्थल पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामले को कराया शांत। बैतूल, दो दिन पूर्व हुए एक्सीडेंट को लेकर बस चालक के साथ शाहपुर में हुई मारपीट। मारपीट के बाद बस चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। बस चालक मेडिकल करवाने के लिए पहुंचा बैतूल के जिला चिकित्सालय। बैतूल, कल गणेश जी की प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। करबला सहित अन्य घाटों को लेकर बैतूल कलेक्टर एवं बैतूल SP के द्वारा लगातार दिन भर किया जाता रहा निरीक्षण। दिए गए इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश। मुल्ताई में खेलो MP यूथ गेम्स 2023 की मशाल का हुआ आगमन। नगरवासियों ने मशाल का किया स्वागत। मुल्ताई नगर में कल गुरुवार को खेलो MP यूथ गेम्स 2023 की मशाल का आगमन हुआ। मशाल का नगरवासियों के साथ साथ खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो MP यूथ गेम्स 2023 का इन दिनों आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मशाल विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रही है। बैतूल जिले में मशाल का आगमन भोपाल टॉर्च रिले प्रभारी धीरेन्द्र भेदे के साथ हुआ। माँ ताप्ती की नगरी में मशाल के पहुँचते ही खिलाड़ियों ने इसकी आगवानी की। इसके बाद थाना परिसर में यह मशाल पहुँची। टॉर्च रिले थाने से शुरू होकर ताप्ती तट तक आयोजित की गई। माँ ताप्ती के मंदिर में टॉर्च खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूजन किया गया। इसके बाद बैतूल के लिए टॉर्च रवाना हो गई। मुल्ताई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वादा खिलाफी के बाद सरकार को एडवोकेट राजेश ठाकरे ने दी चुनौती।
कहा मुलताई को अब भी नहीं बनाया गया जिला तो बैठेंगे आमरण अनशन भूख हड़ताल पर। कल बस स्टैंड के आंदोलन स्थल पर ताप्ती अर्जुन मीडिया से की चर्चा। मुलताई आमरण अनशन पर बैठे दोनों युवकों का स्वास्थ्य बिगड़ा, एक को मुलताई अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देर रात बैतूल जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अनशन करवाया खत्म। मां ताप्ती उद्गम स्थल मुलताई को जिला बनाने की मांग को लेकर दो युवकों के द्वारा 3 दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा था। कल गुरुवार को एक युवक का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने धरना स्थल पर पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि कल दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर देशमुख आमरण अनशन कर रहे युवकों से चर्चा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि बैतूल जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार के द्वारा आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अनशन कर रहे संदीप कामड़ी और जेडी पाटिल का आमरण अनशन तोड़वाया। कल दोपहर में जब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर देशमुख आंदोलन स्थल पर पहुंचे तो युवाओं का कहना था कि जब तक जिला बनाने की घोषणा नहीं की जाती तब तक उनके द्वारा आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं श्री देशमुख ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री की भेंट करवाई जाएगी। मुलताई, कल मुलताई नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व। इस दौरान मक्का मदीना की सजाई गई थी झांकी। शहर में धूमधाम से निकाला गया जुलूस। मुलताई नगर में कल गुरुवार को मुस्लिम बंधुओं के द्वारा ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया गया। कल सुबह पारेगांव रोड पर स्थित नूरानी मस्जिद के पास से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी भाईचारे और शांति का संदेश देते हुए नजर आ रहे थे। नूरानी मस्जिद से जुलूस बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां से जयस्तंभ चौक, फवारा चौक, बैरियर नाका, गांधी चौक, बिरुल बाजार नाका, मासूद रोड होते हुए जुलूस वापस पारेगांव रोड स्थित मस्जिद पहुंचा। जगह जगह नगरवासियों के द्वारा जुलूस में शामिल लोगों का हार्दिक स्वागत किया गया। जुलूस में मक्का मदीना की झांकी सजाई गई थी। मुस्लिम बंधुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। दैनिक ताप्ती अर्जुन मीडिया के लिए मुलताई से मोहम्मद साद की खबर। मुलताई, 3 दिन दूध प्रदाय बंद करने का आदेश हुआ निरस्त। भोपाल दुग्ध संघ ने 3 दिनों तक दुग्ध प्रदाय बंद करने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश से क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक चिंतित हो गए थे। दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध संघ के आदेश से जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार को अवगत कराया। दुग्ध उत्पादकों की समस्या सुनने के बाद श्री राजा पवार ने संघ के प्रबंध संचालक से चर्चा की और यथावत दुग्ध प्रदाय जारी रखने के लिए कहा, जिसके बाद यथावत दुग्ध प्रदाय जारी करने के आदेश अब जारी हो गए हैं। मुलताई, कल दिन भर चलता रहा गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर। बस स्टैंड सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में विराजित प्रतिमा जेसीबी पर निकाली गई। मुलताई नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में कल गुरुवार को गणेश विसर्जन धूमधाम के साथ हुआ। गणेश भक्तों ने मां ताप्ती सरोवर के पानी को साफ रखने के लिए बुगाखेड़ी डैम में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। वहीं मुलताई में नगर पालिका के द्वारा डैम पर विसर्जन के लिए व्यापक रूप से इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि देर रात तक गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चलता रहा। बस स्टैंड सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में विराजित प्रतिमा जेसीबी मशीन पर निकाली गई। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गांधी चौक, जलाराम गणेश उत्सव मंडल सहित अन्य सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का देर रात विसर्जन किया गया। डैम पर विसर्जन के लिए देर रात तक प्रतिमाएं पहुंचती रही। आपको बता दें कि बुकाकेड़ी डैम पर आसपास के गांव के ग्रामीण भी प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए पहुंचे थे। डैम पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी, नगर पालिका के कर्मचारी रात भर तैनात रहे। आमला, मुवाड़ के वनचौकी में पदस्थ गार्ड को 2 लोगों ने पीटा। जंगल से लकड़ी चोरी करने से रोक रहा था पदस्थ गार्ड। चोरी को रोकने के संबंध में गार्ड के साथ 2 लोगों ने की मारपीट। मामला किया गया दर्ज।
शाहपुर शांतिपुर गांव में बकरी चोरी करने के शक में एक युवक के साथ चार लोगों ने कर दी मारपीट। डायल 100 ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। फिलहाल अस्पताल में उपचार है जारी। शाहपुर की माचना नदी में कल किया गया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। नगर परिषद ने इस दौरान विसर्जन के लिए की थी क्रेन की व्यवस्था। घोड़ाडोंगरी बासपुर गांव में एक घर में सांप निकलने के बाद मचा हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सर्प मित्र मोनू जेम्स, सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। चिचोली के दयानंद वार्ड में दो मकानों में हुई चोरी। चिचोली पुलिस के द्वारा की जा रही है चोरी की इस घटना की जांच। चिचोली नगरी क्षेत्र के दयानंद वार्ड में दो मकानों में ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि दोनों मकानों के मालिक इस समय इंदौर गए हुए हैं। चोरों ने सूने मकान देखकर इसका फायदा उठाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 2-3 दिनों से मकान में निवासरत दोनों परिवार इंदौर गए हुए थे। गुरुवार अलसुबह पड़ोसियों ने संतोष आर्य के मकान का पिछला दरवाजा खुला देखा, तब चोरी की घटना का पता चला। अज्ञात चोरों ने दयानंद वार्ड निवासी राजू आर्य और संतोष आर्य के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि दोनों ही मकान से चोरी की इस घटना में नकदी सहित कुछ जेवरात चोरी हुए हैं। भैंसदेही गुदगांव ग्राम में कोबरा प्रजाति के सांप का कल नगर परिषद के सर्प विशेषज्ञ के द्वारा किया गया रेस्क्यू। आठनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आठनेर का कल जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। इस दौरान अस्पताल में देखी गई व्यवस्थाएं। बैतूल कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती देगी जयस, विधानसभा की 5 सीटों पर ठोकेगी ताल। भैंसदे के विधानसभा क्षेत्र में जयस के प्रदेश संयोजक ने खोल दिया है मोर्चा। आठनेर ग्राम थानी में बन रहे सीसी रोड का जनपद पंचायत सदस्य श्री दीपक चौरे के द्वारा कल किया गया निरीक्षण। ठेकेदार को सीसी रोड की गुणवत्ता को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।